जी आपका सवाल बताएं। तो मैंने ऐसा सुना था कि जो अहले हदीस लोग का ये अकीदा रहता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दा है, तो इस पे थोड़ा मेरे को कुरान का कोई ये आयत वगैरह या हदीस का कुछ दलील मिल सकती है? बहुत सारी दलीलें हैं। एक दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत देखेंगे आप तो आपको बहुत सारी दलीलें मिलेंगी। कुरान करीम का जहाँ पर बात है, कुरान करीम की आयत है, अफ इमिता औ कुतिलता। कुरान करीम की आयत मुकम्मल पेश करें शेख हाशिम कुरान कुरान से। एक तो दलील में ये दे जी सिंह इसकी तरह एक मैं आयत है, इन्नका इन्नहुम मैतून। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब करके कहा, इन्नका मैतून व इन्नहुम मैतून, आप मरने वाले हैं और सारे लोग मरने वाले हैं। इसी तरह से मैं तो आपको मरने का इससे भी मतलब ये नहीं ज्यादा होता ना कि मुर्दा सुनिए, है। फिर क्या होता है आप बता दें हमें, मरने का क्या मतलब होता है आप बता दें, हम हमारी मालूमात में इजाफा करें। मतलब वो पर्दा कर लिए दुनिया से, बस इतना पता है, लेकिन मुर्दा तो कहना हाँ सही नहीं ठीक होगा ना। है, हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई, जब वफात की खबर आई तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये खबर पहुंची तो उनका रिएक्शन क्या था आपको मालूम है? उन्होंने कहा कि अगर किसी ने, वो जज्बात में आ गए क्योंकि इस तरह से इमोशनली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टच थे, वो जज्बात में आ गए और कहा उन्होंने कि अगर किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी की वफात हो गई है तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। तो फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला खड़े हुए और उन्होंने खुतबा दिया, और खुतबा वो बहुत लंबा है, बहुत मारूफ है। उन्होंने कहा कि अगर जो तुम में से अल्लाह पर ईमान लाता है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरने वाला नहीं है। जो नबी पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते थे, वो जान ले कि वो अल्लाह के बंदे थे, उनकी वफात हो चुकी है। फिर उन्होंने कुरान की आयत पढ़ करके सुनाई उमर रजी अल्लाह तआला को। तो फिर उमर रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा कि ये आयत अभी नाजिल हो रही है, मुझे इसके बारे में ऐसे लगा कि मुझे खबर नहीं थी। तो ये मसला जो आप बता रहे हैं, ये मसला तो उसी वक्त क्लियर हो गया सहाबे कराम के दरमियान, और आप कह रहे हैं पर्दा कर गए। देखिए जब हमारी मौत होगी तो क्या किया जाएगा, हमें कब्र में दफन कर दिया जाएगा और हम आलमे बरजख में चले जाएंगे। जिस तरह से हमारी मौत होगी हम आलमे बरजख में चले जाएंगे, उसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी की मौत हो गई और वो आलमे बरजख में चले गए। अगर पर्दा से मुराद आपकी ये है कि वो आलमे बरजख में चले गए, तब आपकी बात सही है। लेकिन इस दुनिया की जो जिंदगी है, देखिए जिंदगी एक होती है दुनिया की जिंदगी, एक बरजख की जिंदगी और एक होती है आखरत की जिंदगी। गोया कि तीन मरहले हैं, पहले हम दुनिया में जिंदा रहते हैं, फिर हमारी मौत होती है हम बरजख में जिंदा रहते हैं, फिर बरजख से फिर जब कयामत वाकई होगी उसके बाद हमारी आखरत की जिंदगी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नत में जगह दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुनियावी जिंदगी थी वो खत्म हो गई, और इसी दुनियावी जिंदगी के खत्म होने का नाम मौत है। अब आप ज्यादा इमोशनल मत होइए, मरना ये जी कोई बुराई नहीं है, किसी इंसान को इंसान कहना उसकी तौहीन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, जिस तरह से सबको मौत आएगी उसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई और आप बरजख में जा चुके हैं। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई तौहीन नहीं है, बल्कि इंसानियत का मेराज यही है कि इंसानियत के सारे औसाफ उसके अंदर पाए जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हो गई, आप बरजख में हैं, जी और किसी जी को मैयत कहने से उसकी तौहीन कैसे हो जाती? अगर मैयत कहने से तौहीन होती तो क्या अगर किसी इंसान का बाप मर गया, वो कहे कि मेरे बाप मर गए, तो क्या बाप की तौहीन है? भाई नऊज बिल्ला, बाप की तौहीन करना तो जायज नहीं है। बाप की, जी दादा की तौहीन करना क्या जायज है? उनकी बेइज्जती करना। तो आप अपने बाप दादा को मैयत कहेंगे तो क्या आप उनकी तौहीन कर रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। और सुनिए सुनिए, समरीन समरीन मलिक साहिबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपको कब्र में दफना दिया गया,
क्या किसी जिंदा आदमी को उसके अज्जा व अकारिब उसके दोस्त अहबाब मिट्टी के नीचे दफना देंगे? हाँ, पर्दा, ये क्या पर्दा क्या होता है? नहीं। ये पर्दा क्या होता है? पर्दा तो दुनिया में होता है, ये पर्दा वाली इस्तेलाह कौन सी है भाई? पर्दा पर्दा बिल्कुल है, क्योंकि आलमे बरजख और हमारे दरमियान पर्दा है, लेकिन उससे ये कहा लाजिम आता है कि किसी जिंदा आदमी को जो है ले जाकर के पर्दे में डाल दो कब्र में, और जिंदा का उल्टा मुर्दा है। जी, उम्मीद है कि बहन को जवाब मिल गया होगा। जजाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी।